नमस्कार दोस्तों, फूड डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से साबुत प्याज की रेसिपी शेयर करूंगी जो खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी, चावल, राइस किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको आज का रेसिपी पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 400 ग्राम बेबी अनियंस ले लिया है और जिसे हमने छील के रखा हुआ है, अच्छे से वॉश कर लिया है। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ऊपर के पार्ट है इसे हटा देंगे और इस तरीके से हम ऊपर एक हल्का कट लगाएंगे। बिल्कुल नीचे तक हमें कट नहीं लगाना है, बस ऊपर एक कट लगाएंगे और दूसरी तरफ से एक कट लगाएंगे। तो इसी तरीके से हम सभी अनियंस को काट के तैयार कर लेंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसे थोड़ा बड़े साइज के प्याज से भी बना सकते हैं इसे, अगर बेबी अनियंस अगर नहीं मिलते हैं तो। जो भी आपके पास घर में अनियंस हो उसी से आप ये रेसिपी बना सकते हैं। तो सभी प्याज को हम इसी तरीके से काट के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमें जो प्याज में कट लगानी है वो ऊपर की ओर से लगानी है, इस तरीके से। नीचे से हम कट नहीं लगाएंगे, ऊपर से लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे, डालेंगे 3 चम्मच सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाए डालेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा और 1/2 चम्मच डालेंगे कलौंजी। दोनों चीजों को हम अच्छे से भून जाने देंगे। यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज के टमाटर और 2 हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है, डाल देंगे। टमाटर को हमें तब तक भूनना है जब तक तेल मसाले से अलग ना हो जाए। तो गैस का फ्लेम हाई करके मसाले को हम भूनेंगे। 2-3 मिनट बाद डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो टमाटर का जब आप प्यूरी बना रहे होंगे तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अदरक डाल के पीस सकते हैं टमाटर के साथ। अच्छे से हम भूनेंगे। तो ड्राई मसाले भी ऐड कर देंगे हम यहाँ पे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 चम्मच। ये बिल्कुल भी तीखा नहीं होता है। और यहाँ पे डालेंगे 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 1/2 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर। अब हम सभी मसाले डालने के बाद अच्छे से मसाले को तेल अलग हो जाने तक भूनेंगे। मसाले हमारा अच्छे से भून गया है, हम यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच बेसन। ये ग्रेवी को थिकनेस के लिए हम डाल रहे हैं। अच्छे से हम कुछ सेकेंड भून लेंगे बेसन डाल के। अच्छे से हमने बेसन को भून लिया है और मसाले से आप देख सकते हैं तेल भी अलग दिख रहा है हमें। अब हम यहाँ पे डालेंगे 3 चम्मच दही। अच्छे से आप मिलाते हुए कुछ सेकेंड दही को मिला लेंगे मसाले में। मसाले हमारा अच्छे से भून गया है, अब हम यहाँ पे डालेंगे अनियन। अच्छे से मिला लेंगे और हमने अभी तक नमक ऐड नहीं किया है तो नमक ऐड कर देंगे अभी हम। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा।
और डालेंगे हम थोड़ा सा कसूरी मेथी, क्रश करते हुए डाल देंगे। मसाले में अनियंस को एक मिनट हम खोल के पकाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद मैं यहाँ पे एक कप पानी ऐड कर रही हूँ, एक बार चला लेंगे। और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम करके 3 से 4 मिनट प्याज को ढक के पकाएंगे। तो अच्छे से मिला दिया है और गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। पैन को कवर कर देते हैं और फ्रेंड्स 4 मिनट बाद हम सब्जी को चेक कर लेंगे। 7-8 मिनट बाद हम चेक कर लेंगे। स्पैचुला से एक बार चला लेते हैं। सब्जी हमारा काफी थिक बन चुका है। थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा गरम मसाले। अनियंस हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ा सा गरम मसाले और चॉप करके रखा हुआ हरा धनिया अच्छे से मिला देंगे। सब्जी हमारा अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। और फ्रेंड्स अगर आपको इससे थोड़ा सा और ग्रेवी चाहिए तो आप 5 मिनट बाद गैस का फ्लेम बंद कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा इस तरीके का थिक चाहिए था, इसलिए मैंने इसे 7 मिनट पकाया है। तो अच्छे से मिला लिया है, गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और सब्जी को एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही टेस्टी सब्जी की रेसिपी बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का रेसिपी आपको कैसा लगा। और आप इसे रोटी, पराठे, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नए वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।